और अब हम आ चुके हैं भगवान बुद्ध की स्टैचू पे। ये देखिए, ये रहा विशाल का स्टैचू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठ गया हूँ, मैं तो बहुत पहले से खैर उठा हुआ हूँ। पृथ्वी भी उठ गया है। पृथ्वी, कुछ कहना है? ब्रश कर रहे हो तुम सुबह सुबह? बढ़िया बढ़िया। तो बाकी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, गीजर लगा हुआ है, लेकिन पानी गर्म कैसे आएगा? इसका स्विच पृथ्वी को मिल ही नहीं रहा है। और ये हमारा रस गीजर, अच्छा गीजर खराब है। ओके ओके ओके। और ये रहा रूम नंबर दूसरा, रात का खाना। उठो पवन, 6:30 हो गया है। जाना है मोनेस्ट्री? नहीं बताओ। अरे मालूम सर, नहीं उठोगे? नहीं जाओगे क्या? तो भाई टाइम हो गया है 6:30, तो मैं बोल रहा हूँ टाइम हो चुका है। कि तवांग की ठंडी का नज़ारा। कौन सा महीना चल रहा है पृथ्वी? अक्टूबर। अक्टूबर में भयंकर ठंड है यार यहाँ पे गुवाहाटी में। तो अक्टूबर में एकदम चिलचिलाती धूप, पसीना ही पसीना। और यहाँ पे पृथ्वी की हालत एकदम ख़राब है, हाथ उसमें डाल देगा लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। पृथ्वी और मालूम सर बताएंगे क्या क्या है और कैसा लग रहा है। रोटी है, बॉलिंग बहुत छोटी छोटी है, अच्छा लग रहा है। रोटी है और सब्जी है, पत्ता गोभी की। हाँ, रोटी है, पत्ता गोभी की सब्जी है और अचार भी है। अचार भी है। पृथ्वी, तुम्हारा कोई स्पेशल कमेंट, कुछ कहना चाहोगे? अभी स्पेशल भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आज का तुम्हारा क्या प्लान है? आज अभी जाएंगे हम लोग मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री। अच्छा, फिर एक अभी अगर आप कैमरा उल्टा कीजिएगा तो देखेंगे वो बुद्ध, भगवान बुद्ध की जो स्टैचू है वहीं पर हम जाएंगे अभी। और फिर तवांग मोनेस्ट्री जाएंगे, फिर जांग वाटरफॉल जाएंगे। और फिर जाएंगे स्टे करेंगे दिरांग पे। आज कितना किलोमीटर आएगा? आज होगा अराउंड 150। 150 थोड़ा मतलब 150 तो डायरेक्ट हो गया दिरांग, थोड़ा इधर उधर जैसे वाटरफॉल जाएंगे, सेला पास भी होंगे। थोड़ा 5-10 एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सरप्राइज ब्रेकफास्ट में। सरप्राइज क्या है ये? सरप्राइज ऑमलेट। बढ़िया है, नाइस। देख के तो अच्छा लग रहा है पृथ्वी, थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ। थोड़ा सा थोड़ा टेस्ट करो। थोड़ा थोड़ा के पूरा टेस्ट कर जाएंगे हम। पूरा टेस्ट करते हो, उसको खाना बोलते हैं। अच्छा, ऑमलेट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Your destination is on the right. गाड़ी जा रही है। हाँ हाँ, आगे। मॉनेस्ट्री के गेट। हाँ चलिए आगे। और राज सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हम पहुँच चुके हैं मॉनेस्ट्री। ये देखिए शानदार गेट है ये। अंदर में वीडियोग्राफी होगी नहीं होगी?
और अब हम आ चुके हैं भगवान बुद्ध की स्टैचू पे। ये देखिए, ये रहा विशाल का स्टैचू। और आप क्या कहना चाहेंगे राज सर, इतने बड़े स्टैचू को देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब एकदम गोल्डन कलर, धूप में निखर करके आ रहा है, चमक आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, और बेहद खूबसूरत वादियों के बीच में इतना बड़ा स्टैचू। और ये ऐसा है स्टैचू, मार्केट से भी दिखता है, नीचे से भी। हाँ, काफी अच्छा स्टैचू। रूम में बैठ के मत देखना, ठीक है, तो फिर नहीं नजर आएगा। लेफ्ट लेफ्ट, अभी हम जाने वाले हैं म्यूजियम में, तवांग गार्डन नामग्याल लाट्से मॉन्स्ट्रे। तो यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं कुछ, एन ओपन हार्ट द दलाई लामा। ओके, अब हम अंदर चलते हैं, एक एक चीज़ दिखाएंगे। चलिए, ये सब लोकल कुछ बर्तन वगैरह है, हट जाओ। ये सीनियर मॉन्की फुटप्रिंट है। अच्छा, देखिए सीनियर मॉन्की फुटप्रिंट, ये रहा फुटप्रिंट, लकड़ी पे बनाया सबसे बड़ी बात। और इधर कुछ बर्तन है, यहाँ पर पता नहीं ये है क्या चीज़, कुछ लगा तो है नहीं, ये तो कुछ कंटेनर टाइप का है। चलो, ये सूज, मैं तो तवांग हूँ। अरे ये पवन, ये सब तो चार इधर घर पहुँच गया, फिर बोला बस आए थे, अभी निकलेंगे तवांग। ये कुछ अलग, वापस संडे तक पहुंच जाऊंगा। ये उनके जैकेट्स वगैरह लोकल नेम दगम। अच्छा, और ये हथियार, और ये भी हथियार है, पता नहीं किस तरह का। चलो यार, अच्छा बता दिया आपने, मैं ढूंढता हूँ। हाँ,
पता नहीं क्या है। ज्वेलरी, ये ज्वेलरी है, माला। Thank you.